हाय दोस्तों नमस्कार, मैं नया ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा है आप लोग भी अच्छे से होंगे। आज का मौसम बहुत बढ़िया हुआ है, मैं गया था टहलने के लिए, टहलने के आ गया। अब जो है आप लोगों को साथ मिलते हैं, ढेर सारा बात करेंगे, ये देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। कल बना रही हैं कुछ लोगों को प्रसाद उसाद। चलिए प्रसाद दिखाते हैं। प्रसाद दिखाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे छत पे। छत पे आज मौसम दिखाऊंगा, देखिए। हेलो गुड मॉर्निंग, क्या बन रहा है? देखिए ये भोग बन रहा है। आप लोग भी देखिए सुबह सुबह जो है ना, सबसे पहले भगवान को हलवा बन रहा है। हलवा बन जाएगा तो ये चढ़ेगा कृष्णा जी को, सभी लोगों को ना। हाय करो, हाय थोड़ा सा। चलिए देखते हैं भोग लगा, उसके बाद जो है ना ये पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद करेंगे फिर दिखाएंगे। कल मैं गया था बाजार, बाजार से देखिए ये खीरा लाइए। खीरा देसी है, 40 रुपये किलो दिया है। बैंगन 60 रुपये किलो दिया है। और ये पता नहीं क्या है, ये है भिंडी। देखिए भिंडी जो है ना 40 रुपये किलो दी है। छाँट टूट के लाया था कल मैं, तो ये सेब उसको बड़ा ठग दिया मेरे को। ऐसा सेब कभी नहीं लेना है। देखिए इतना खराब लगे, देखने में तेरा अच्छा है लेकिन खाने में बड़ा गंदा लग रहा है। अजब टाइप के टेस्ट इसका है जो आ गया। आज आरू बनाने के लिए उतार कर रखे हैं, आरू बनाने के लिए रखा हुआ है। आज आएगा बनाएगा, मिस्त्री बोला है आज आएगा। 200 रुपया बताइएगा कमेंट करके। यहाँ 250 रुपया मांगते हैं सर्विस चार्ज। 250 रुपया हाँ, मैं बोला कि यार 250 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। कह रहा है कि अब इतना ही लगता है, तो बोले चलो ठीक है। फिर दूसरे से बात किया तो कह रहे कि चलिए हम 200 रुपये लेंगे। हम लोग 150 देंगे, बाकी सामान जो लगेगा वो ले लेंगे। फिर मैं बोला कि सामान जो है हम अपना खुद लेके आएंगे, जो भी लगेगा। तो मायूस हो गया, सामान तो खुद से आजकल तो वीडियो में वो दिखाता है, उसको क्या है यूट्यूब में लोग दिखाते हैं किसका क्या रेट है, कितने में आ सकता है, मेम्बराम सिम्बराम आरो का जो भी पार्ट है। तो बाज़ार से क्यों मिला, ऑनलाइन रेट देता है, ज़्यादा थोड़े मांगे। ऐसे पहले हम लोग एक बार खुलवाए थे, पता नहीं था उसमें क्या क्या लगा दे, 3200 रुपये के बिल बना दिया। देखिए मौसम बहुत बढ़िया, मौसम हुआ सुंदर, अति सुंदर मौसम। ये फूल ला गए हैं, धूप होगा तो फूल निकलेगा। केला भी ठीक है, नींबू का भी ग्रोथ हो गया। इसमें देखिए पालक हुआ था दोस्तों, काट लिए और थोड़ा थोड़ा और जो है हो गया है। पपीता है, देखिए पपीता लग गया। यह लौकी और क्या क्या है इसमें, बड़ा बढ़िया। धूप होता है तो खूब बढ़ता है। देखिए ये लौकी है, एक वो है लौकी, ये नेनुआ घिमड़ा उमड़ा तुरोई रोई है। सेम का भी है, सेम भी है तो भी ठीक ही है, प्रोग्रेस हो रहा है ना। अब इसमें फूल लेगा,
बैगन में तो फूल लिया था, ये गिर गया है फूल, गिर गया है फूल, नहीं रुकेगा। अरे राम हो राम, देखिए न जा रहे हैं कहाँ, क्या चाहिए तुलसी का पता? अच्छा कितना? ये है दोस्तों, अब हम जो है ना इस बार इनको कुटवाना है ना, भाई तबीयत वह ठीक है, कुटवाना है क्योंकि तो कुटवा देंगे, चुना उना तो ठीक लगेगा, जैसे तबीयत खराब हो गया तैसे छोड़ा हो गया, दो साल हो गया। ये देखिए तुलसी की पत्ती मांग रही है, इतना घना तुलसी हो गया, थोड़ा सा तोड़ लेते हैं माता जी के जय। कोई कोई दिखाता है कि बड़ा तुलसी ऐसे तोड़ना चाहिए, वैसे तोड़ना चाहिए, अरे ठीक है, सब हाथ को जोड़ के ऐसे तोड़ दिया जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा ना। भोग में लगेगा, भोग चढ़ रहा है ना, भोग में तुलसी के पत्ते ही डाला जाएगा, लिए इतना बहुत है। गिर गया था तो पता, ये है नींबू, देखिए यह है केला, ये फूल है, ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता के फूल, फूल ये देखिए पपीता हो गया है, लग गया पपीता, ठीक है चलते हैं अब नीचे करते हैं। पूजा शुरू हो गया दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ अभी हम तो जाएंगे दूध लाने के लिए, दूध लेके आएंगे तब खाएंगे आप लोगों को, पूजा वूजा शुरू हो गया,
चलिए दोस्तों ठीक है, हाय दोस्तों, पूजा उजा शुरू हो गया है। देखिए अब जो है मिलते हैं फिर कल। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। और कल हम लोग चलेंगे कहीं और मंदिर उंदिर, तो उसका दिखाएंगे। बाय दोस्तों।